हे गाइस, इट्स दिव्यांशु। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में जो हमारी सबसे बड़ी हेडलाइन होने वाली है ना, वो होने वाली है यहाँ पर एक नए चैप्टर ऑफ मैनचेस्टर डर्बी की। देखो, एक चैप्टर हमने ऑलरेडी इतिहास में देख लिया है, जो नया चैप्टर है उसको हम यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं आफ्टरमैथ ऑफ मैनचेस्टर डर्बी। लेकिन डेफिनेटली यार, एपिसोड में आगे जाने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि यार हम लोग 50,000 माइलस्टोन के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। तो डू मेक श्योर, आप में से जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो यार, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली मेम्बर अगर तुमको ये बकचोदी और ये फुटबॉल कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। लेकिन वापस से आते हैं अपने एपिसोड पर। तो फिर टेलीग्राफ ने एक बहुत ही एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाला, और उन्होंने इस चीज़ को लगभग तुम मान के चलोगे कंफर्म ही कर दिया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल गेट हिज मूव अवे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड इन जनवरी। मतलब साफ है कि यहाँ पर जनवरी में हमको एक जो चैप्टर है जो समर ट्रांसफर विंडो में अधूरा रह गया, वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा जनवरी ट्रांसफर विंडो में, जहाँ पर रोनाल्डो एक बार फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड को एग्जिट करते हुए दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो हमारे दिमाग में आएंगे, एक दो तीन चार सवाल हैं। पहला सवाल ये आता है कि क्या स्टैंड होने वाला है एरिक टेन हैग के इसके रिगार्डिंग। आप देखो, अगर एरिक टेन हैग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं एक वो ढांचा सा बना लूँ ना, तो लगेगा कि अरे यार, एरिक टेन हैग तो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, एरिक टेन हैग तो उसका बेस्ट निकालना चाहता है, एरिक टेन हैग तो रोनाल्डो को उसका टाइम देगा, उसका उसको थोड़ा टाइम चाहिए उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर एक्चुअली में आप थोड़ा सा डीप जाओगे ना, और अगर आप पिछले कुछ टाइम से, जब मैं तो पिछले कुछ टाइम से क्या, जब से ये सीज़न स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक का पैटर्न देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरिक टेन हैग इस डिसीजन के बीच में नहीं खड़े होंगे। और यही चीज़ कहीं ना कहीं टेलीग्राफ ने अपने रिपोर्ट में भी कहा है कि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि एरिक टेन हैग यहाँ पर बिल्कुल भी एक पॉइंट, मतलब 1% भी उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा रोनाल्डो को दैट यू शुड स्टे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब साफ सीधी बात है, मतलब दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है। और यहाँ पर अब तो चीज़ें इस हद तक जा चुकी है कि एक्चुअली में यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर ऊपर की हायरार्की की भी हम बात करें तो वो भी यहाँ पर बीच में नहीं आएगी। इतने सब होने के बाद भी एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये भी सीन है कि यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उसका मूव समर ट्रांसफर विंडो में नहीं मिला, बट डिस्पाइट दैट ही इज़ बीन एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, कोई यहाँ पर स्ट्राइक भी, कोई बकचोदी नहीं, कोई यहाँ पर मतलब ऑफकोर्स कोई मीडिया लीक्स वगैरह भी नहीं, कोई बैड माउथ नहीं, सीधा सीधा अपना काम करो। यस, ही इज़ नॉट गेटिंग हिज मिनट्स, उसको उसके हिसाब का यहाँ पर जो गेम टाइम है, जो गेम स्टाइल है, जो करियर वो अभी तक का खेलता हुआ आ रहा है, वो यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नहीं दिख रहा, बिल्कुल एकदम से अपसाइड डाउन हो चुका है। और इसी चीज़ को चेंज करने के लिए यहाँ पर जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमको रोनाल्डो मूव ऑन करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि यहाँ पर इंजीनियर कौन करने वाला है इस मूव को। अब देखो यार, यहाँ पर ना उन्होंने दो तीन यहाँ पर डेस्टिनेशन बताए हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म होगी कि एज ऑफ नाउ, जिस मतलब अभी के तौर पर अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ सऊदी क्लब का ऑफर है, जो कि वही था दो साल में 210 मिलियन का ऑफर, मतलब इतने पैसे देने के लिए तैयार है वो रोनाल्डो को। और वो क्लब कोई और नहीं बल्कि अल हिलाल है, जिसको रोनाल्डो ने एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि अभी भी यार रोनाल्डो मानता है कि देखो, मैं चैंपियंस लीग खेलूंगा और मेरे को रेगुलर चैंपियंस लीग फुटबॉल मिलने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो ऐसे में आपके वही तीन चार सूटर्स आ जाते हैं, चेल्सी, ग्राहम पॉटर है, टेड बोली चाहता है एक सुपरस्टार साइनिंग, और जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, मेरे को लगता है कि चेल्सी वुड बी इंटरेस्टेड। हाउएवर, इसको थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है कंसीडरिंग द फैक्ट कि इसी एपिसोड में हम लोग चेल्सी और एनकुंकू की ट्रांसफर डील पर ही बात करने वाले हैं। हाउएवर, उसके बाद हम आगे जाते हैं तो नेपली आता है, फिर स्पोर्टिंग आता है। अगेन, मैं तब भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ कि स्पोर्टिंग ही सबसे ज़्यादा सेंस बनाएगा। और अगर ये सब हटा दे तो कोई अगर आउट ऑफ नोवेयर आ ही जाए तो वो है। अच्छा, इस चीज़ में ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि जिस टाइम वर्ल्ड कप के टूर पे यहाँ पर रोनाल्डो पोर्चुगल में होगा, वहाँ की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि एक्चुअली में जब वो वापस आएगा वर्ल्ड कप के बाद से, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। अब भी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज़ तो तय है कि कोई भी क्लब जाएगा वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म उसके लिए जाएगा कि हाँ ठीक है, हमको एक पुश चाहिए, हमको एक इकोनॉमिक, सोशल और मे बी टैक्टिकल अप फ्रंट पे हम लोग यहाँ पर रोनाल्डो को रिक्रूट करने वाले हैं। क्योंकि आप कोई मतलब नहीं यार, अब रोनाल्डो 38 ईयर्स ओल्ड है, आप उसके अराउंड स्क्वाड बिल्ड, हाँ ये है कि अगर आप पे ओवरऑल आपका स्क्वाड है इस रिगार्डिंग कि आपका जो मैनेजर है वो रोनाल्डो ऐसी प्रोफाइल के प्लेयर के साथ खेलना चाहता है, जैसे थॉमस टुकल था, ही वॉज नॉट इन द फेवर, मे बी ग्राहम पॉटर ऐसे हो सकता है, या फिर कोई भी हम यहाँ पे मैनेजर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जा सकता है। बट अगेन, ये तो चीज़ कन्फर्म होगी कि एरिक टेन हैग अब और देखो यार, ये सस्टेनेबल भी नहीं है, मतलब ही नहीं यार। देखो आप यूनाइटेड के लेजेंड्स, देखो पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जैसे अभी जेमी कैरेगर की हम बात करें तो उसने ये चीज़ कही है कि भाई ये बकचोदी बंद करो कि एरिक टेन हैग ने गलती कर दी रोनाल्डो को ना ला के, रोनाल्डो आता तब भी ऐसे ही रहता। खैर, इस पर मैंने अपना एक डिटेल रिव्यू बनाया था, तुम उस पर मेरा ओपिनियन तुमको पता ही है। अगर हम बाकी के जैसे हम
अगर रॉय कीन की बात करें तो उसने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंडेम करा है कि ये सस्टेनेबल ही नहीं है जो चीज़ चल रही है, एरिक्टन है, वीक इन वीक आउट आके इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता कि उसने रोनाल्डो को क्यों नहीं लेके आया। और ये चीज़ दोनों ही तरफ से, आप चाहे यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से देखो, आप चाहे रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से देखो, ये चीज़ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। अभी सिर्फ अक्टूबर आया है, अभी पूरा अक्टूबर पड़ा है, नवंबर पड़ा है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, एंड देन अगेन वापस से जनवरी, और उसके बाद तो क्रूशियल स्टेजेस आ जाएंगे, तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा बीटी हो जाएगी। तो ये तो अभी कहीं ना कहीं कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। बाकी डू लेट मी नो कि आप इस समय क्या रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही पूरा सीजन खत्म होता हुआ देखते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर स्पोर्टिंग या फिर किसी और क्लब के फेवर में हो। लेकिन इसी के साथ एक था रोनाल्डो वाली स्टोरी पर, अब बात करते हैं आफ्टर मैथ ऑफ मैनचेस्टर डर्बी। तो देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा बताया जा रहा है कि एरिक्टन है, देखो रोनाल्डो को इंक्लूड करके ऐसे 7-8 प्लेयर है, सीनियर प्लेयर, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में खत्म हो रहा है, और ऐसे में एरिक्टन हैग ने हायरार्की को कह दिया कि देखो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सबके रिन्यूअल रोक दो, एक का भी नहीं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में तुमको अपडेट दी थी कि यहाँ पर सिर्फ रोनाल्डो का कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रोका जा रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ ओवरऑल यहाँ पर बाकी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया जा सकता है। लेकिन अभी के तौर पर तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रोक दिया है, चाहे रोनाल्डो हो, चाहे यहाँ पर फ्रेट हो, इवन यहाँ पर डेविड दिया की हम बात करें, और वान डेबिक का तो तुम करियर मतलब खत्म ही मान के चलो कि एरिक्टन हैग के अंडर उसको भी कोई चांस नहीं मिलने वाला। इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन है। आई थिंक आपको स्क्वाड बिल्ड करने के लिए आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, एंड गुड टू सी कि एक्चुअल में यूनाइटेड की हायरार्की की हम बात करें तो यहाँ पर दे आर बिलीविंग एन एरिक्टन हैग। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, आप या तो यही चीज़ सोचोगे कि आप किसी ऐसे प्लेयर को, मतलब जैसे हम डेविड दे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर हम इवन आने वाले टाइम में जब हैरी मैग्वायर का होगा, या फिर किसी भी डेविड दे की अगर हम बात करते हैं 2023 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, आप चाहोगे कि देखो डेविड दे इज़ नॉट एन ऑप्टिमल, इज़ नॉट एन वो गोलकीपर नहीं है जो कि टेन हैग चाहेगा अपने सिस्टम में, तो ऐसे में उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दो ही मत। लेकिन देन अगेन इट्स डेविड दे, आप ऐसे में नहीं चाहोगे कि आप एकदम ही बिल्कुल उसको क्लब से बाहर निकाल दो, देन यू नीड टू गिव अन एक साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो या फिर आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, बट डेविड दे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर ये हो सकता है कि एक्चुअली में जो ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल देने वाले हैं उसको प्लेयर यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, तो हमको एक मास यहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है कि ठीक है काफ़ी सारे प्लेयर एक झटके से यहाँ पर बाहर होते हुए दिख सकते हैं हमको स्क्वाड में। बट अगेन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड, आपको प्लेयर्स चाहिए और वो भी मैनेजर के हिसाब से चाहिए, ना कि आपको अपनी स्पॉन्सरशिप डील के साथ। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, तो भाई काफ़ी सारी खबर है। सबसे पहले अगर कोर्तोआ की इंजरी को लेकर बात करें तो भाई कोर्तोआ, देखो मामला बहुत ही ज़्यादा लाइक वोलेटाइल है। एट द सेम टाइम जब इंजरी फ्रेश हुई थी तब लोगों ने यहाँ पर, अगर स्पेनिश मीडिया की बात करें तो उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर पब्लिश करी कि सबसे पहले एल क्लासिको इज़ दी अटमोस्ट प्रायोरिटी, वो अभी भी है अटमोस्ट प्रायोरिटी, लेकिन अब कन्फर्म ये नहीं है कि क्या कोर्तोआ यहाँ पर एल क्लासिको खेलने वाला है। दिन बाय दिन के हिसाब से यहाँ पर मामला चल रहा है, अभी के तौर पर सारे मैचेस मिस करने वाला है, वो एक भी मिनट नहीं खेलेगा, और एल क्लासिको से एक दिन पहले भी हम लोग एक चीज़ कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि क्या थिबो कोर्तोआ उस मैच में खेलेगा या फिर नहीं। साथ ही अगर बेंजिमा की बात करें तो पेनल्टी मिस कर दी, और पेनल्टी कन्वर्जन रेट भी कहीं ना कहीं बेंजिमा का जो है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है, और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर पेनल्टी बेंजिमा को ही लेनी चाहिए, और इसका सवाल सीधा सीधा कर दिया कि यस बेंजिमा ही मेन पेनल्टी टेकर होने वाला है रियल मैड्रिड में। और अगर बेंजिमा के रिन्यूअल की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था और एक बार अब भी बता रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 100% कन्फर्म कि बेंजिमा का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया होगा, और ये चीज़ कन्फर्म है कि, और फैब्रिजियो रोमेनो ने भी इस चीज़ पर डाला है, थोड़ा सा इन्फो दिया है कि एक नया स्ट्राइकर भी यहाँ पर रियल मैड्रिड लेके आ सकती है, एनकुंकू या फिर अर्लिंग हालैंड। लेकिन इसी के साथ अगर सेबायोस की बात करें तो देखो सेबायोस इवन दो कार्लो एंसेलोटी के प्लान में दिख रहा है, ईडन हज़ार्ड से तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बना रहा है और खेल भी अच्छा रहा है, लेकिन रियल मैड्रिड का जो स्टैंड है सेबायोस को लेके वो अभी भी बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है। सेबायोस को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं दिया जाएगा, सेम एज मार्को असेंसियो, और हम लोग मिडफील्डर के लिए जाने वाले हैं बेलिंगम। लेकिन इसी के साथ अब दो तीन और छोटी बड़ी अपडेट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो गोंजालो हिगुएन ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि वो यहाँ पर इस सीज़न के बाद रिटायर होने वाले हैं। भाई मेरे को यार हिगुएन के बारे में यार मैं क्या बोलूँ, मतलब आई थिंक हिगुएन एक ऐसा प्लेयर था, मतलब ये बंदा ना यार एक ब्लैक एंड व्हाइट में खेलता था, लाइक या तो उसका बहुत ही बड़ा डाउन टर्न हो जाता था या फिर एक्चुअली में ये बहुत अल्ट्रा सुपरस्टार टाइप का फुटबॉल खेलता था, चाहे हम इसके नेपली की बात करें, चाहे हम इसके यहाँ पर रियल मैड्रिड की बात करें जहाँ पर इसने 265 गेम में 150 के आसपास गोल मारे हैं और यहाँ पर लगभग 60-70 के रिगार्डिंग असिस्ट दिए हैं। इसकी रीसेंट टाइम्स में जो ज़ावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसने भी इसकी तारीफ करी थी। तो ओवरऑल गोंजालो हिगुएन यार काफ़ी सही प्लेयर था, बस ये है कि जो उसका डाउन टर्न आ गया ना,
और कहीं ना कहीं जो कन्विक्शन थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई थी। और ऑफ कोर्स इसको वर्ल्ड कप के लिए हिट भी किया जाता है। साथ ही अगर हम मेसुत ओज़िल की बात करें तो रिसेंटली यार मेसुत ओज़िल का यहाँ पर एक बैक पेन के चलते उसकी एक अच्छी खासी सर्जरी हुई है और लंबे टाइम के लिए हमारे जो बसिक साहिर के जो मिडफील्डर है, जर्मन मिडफील्डर, वो यहाँ पर बाहर रहने वाले हैं। तो वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। इसी के साथ अगर हम बात करें फेडरिको चिएसा के लिए, तो यूवेंटस फैन के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है क्योंकि यहाँ पर फेडरिको चिएसा लगभग 8 महीने बाद इंजरी के पहली बार यहाँ पर ट्रेनिंग में दिखे हैं। भाई होप कर लो, देखो जैसे मेरे को लगता है कि ब्रेंडन रॉजर्स को जेम्स मैडिसन बचा रहा है, मेरे को लगता है कि एलिगिरी को एक्चुअली में यहाँ पर फेडरिको चिएसा बचा सकता है एंड विट बी अ ह्यूज अपडेट। आई थिंक फेडरिको चिएसा, पॉल पोगबा, ये सारे प्लेयर एक बार वापस से आ जाएं, एलिगिरी के पास एक गोल्डन चांस है। और क्या पता यूवेंटस एक्चुअली में ये जो मड में मेस में है ना, इससे सही में एलिगिरी के साथ एक सॉल्यूशन के साथ बाहर निकल पाए। साथ ही अगर हम आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल की भी अगर हम एक चीज़ बात करें तो भाई विलियम सालीपा पे बिल्कुल मतलब फ्लेक्सिबल ही नहीं है भाई। ये तुम सोचो इंटरेस्टिंगली कितना बड़ा यहाँ पर अपसाइड डाउन हुआ है। मिकल आर्टेटा वो बंदा जो कि कहीं ना कहीं विलियम सालीबा को बहुत ही कॉशियसली और मे भी कैसे हेजिडेंटली यूज़ करने में लग रहा था कि खिलाऊं कि ना खिलाऊं, बेन वाइट गैब्रियल के साथ ही जाऊं, होल्डिंग के साथ जाऊं। अब कहीं ना कहीं आर्सेनल का जो स्टैंड है वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। इवन दो ओलंपिक मार्शल की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑफर देने के लिए तैयार है, लेकिन विलियम सालीबा की मार्केट प्राइस की बात करें तो वो कुछ सस्ती नहीं है भाई। लाइक 70-80 के नीचे तो मानेंगे ही नहीं भाई आर्सेनल इस समय। लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर साइन होने वाला है, जैसा हमको विलियम सालीबा ने अपने इन्फो में बताया कि यस दे आर इंटरेस्टेड इन रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद आर्सेनल। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग खबर की, और इस समय अगर हम टॉपिक ऑफ द डे की बात करें तो वो यहाँ पर एनकुंकू टू चेल्सी वाली बात चल रही है भाई। मतलब हुआ है कुछ या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसमें कितना सच है और यहाँ पर क्या सिचुएशन है। देखो एक चीज़ जो मैं समराइज़ कर पा रहा हूँ ना इस पूरी स्टोरी से, वो ये है कि चेल्सी इज़ डैम स्मार्ट। देखो चेल्सी ने सारा काम बहुत बढ़िया करा है। अगर हम यहाँ पर चेल्सी के इस समय कारनामा की बात करें तो देखो अब हुआ यहाँ पर यह है कि एनकुंकू ने लाइपसिक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू तो कर दिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी है और ये उसी की शर्त थी जो कि मान भी ली गई कि देखो यार मेरे को एग्जिट डोर हमेशा खुला हुआ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ एक सीजन बहुत पैशन के साथ खेलूंगा लेकिन मेरे को एग्जिट डोर चाहिए। ऐसे में तुम सोचो एनकुंकू की मार्केट प्राइस से यहाँ पर कम का रिलीज क्लॉज रखा गया, सेम जो कि अर्लिंग हालैंड के साथ हुआ है। लेकिन चेल्सी यहाँ पर जो गेम खेल रही है ना वो ये है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि चेल्सी 60 मिलियन का जो रिलीज क्लॉज है ना उससे ज़्यादा दे देगी लाइपसिक को। अब इसके दो कारण होंगे। सबसे पहले तो अगर देखो हम इसको स्ट्रैटेजिकली देखें ना तो चेल्सी यहाँ पर बाकी शूटर्स को हटा देगी, लेकिन मेरे को लगता है कि ये वाला थोड़ा सा वीक है क्योंकि चेल्सी, अब मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि अगर ये चीज़ चेल्सी कर सकती है तो कोई भी कर सकती है। जैसे मान लो कि 70 मिलियन रिलीज क्लॉज होता तो वो भी दे देते, इस समय तो एनकुंकू की जो हाइप है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर दूसरा इकोनॉमिक बात करें ना तो चेल्सी को 60 मिलियन तुम लगेगा कि रिलीज 60 मिलियन है फिर ज्यादा क्यों दे रहे हो, ज्यादा पैसे आ रहे तो हमें दे दो, पेपाल पेटीएम कर दो। चेल्सी क्या कर रही है, चेल्सी रिलीज क्लॉज से ज्यादा दे रही है लेकिन स्टिल मार्केट प्राइस से कम दे रही है, क्योंकि अगर हम एनकुंकू की मार्केट प्राइस की बात करें या फिर इस समय मार्केट इन्फ्लेशन की बात करें तो 100 का तो जाएगा ही जाएगा, 90 का भी जाएगा। एंड अगेन चेल्सी 60 से ज्यादा दे रही है और मार्केट प्राइस से कम दे रही है, ये उनका यहाँ पर टैक्टिकल जीनियस है, दे आर डूइंग इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चेल्सी एक्सप्लॉइट कर सकती है, एक्चुअली में इस समय तो कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है जो कि एनोनिमस है। अब एनकुंकू का चेल्सी के साथ एक प्री एग्रीमेंट है ये तो कन्फर्म बताया जा रहा है, लेकिन कुछ ही चीज़ पर साइन नहीं हुआ है, कोई मेडिकल नहीं हुआ है और अभी तक आप कह सकते हो कोई लीगल पेपर पे तो साइन है ही नहीं। तो ऐसे में चेल्सी इंटरेस्टेड तो है, प्री कॉन्ट्रैक्ट है, वर्बल एग्रीमेंट है, लेकिन एक्चुअली में अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्या रियल मैड्रिड जाने वाली है या फिर इवन बार्सिलोना, मतलब कोई भी क्लब यहाँ पर अगर हम बात करें बड़े क्लब्स की तो क्या वो यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे, वाई नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ऐसे में एनकुंकू चेल्सी की डील अभी इंटरेस्टिंग मोड में है। और पॉइंट यहाँ पर यह है कि चेल्सी एक चीज़ और करना चाहती है इस रिलीज क्लॉज को और इस मामले को निपटाने के लिए कि वर्ल्ड कप में एनकुंकू की परफॉर्मेंस निखर आई ना तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुमको पता है कि ये वर्ल्ड कप ट्रांसफर मार्केट पे एक बहुत ही इन्फ्लेटेड इफेक्ट रखने वाला है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर चैंपियंस लीग की और बार्सिलोना की, देखो आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं कॉलेज से जल्दी आ गया तो मैं इस पूरे चैंपियंस लीग मैच टेप रिव्यू बना ही दूंगा और एपिसोड में तुमसे बात करूंगा। लेकिन अगर अभी की हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मेरे को दो तीन चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। सबसे पहले तो देखो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही टीम यहाँ पर बायर्न से हार गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब ग्रुप ऑफ डेथ की हम बात करें बहुत स्लिम चांसेस है कि आप गलती करो। और ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावी ने इस चीज़ पे कहा है कि चैंपियंस लीग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत डिफरेंट है क्योंकि आप मोमेंट्स में हो, आपने गलती करी एंड यू आर आउट। और ऐसे में आज की अगर हम बात करें मिलान के होम में तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और ये बार्सा का कन्विक्शन भी शो करने का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि दे
अगर अगर चैंपियंस लीग की हम पिछले कुछ 3-4 सालों की बात करें तो बारसा का जो लक है वो कहीं ना कहीं, बारसा का लक की हम बात करें फिर बारसा के रिजल्ट्स की हम बात करें, वो उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग 11 की बात करें तो मेरे को लगता है कि जावी अपने पत्ते अपने पास रखना चाह रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बैक थ्री देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को यहाँ पर जावी से सुनने को मिली, वो ये थी कि उसने ये चीज़ कही कि यार रेफरी जो है ना, रेफरी बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है फुटबॉल के लिए, रेफरी के डिसीजन पूरे गेम को डिक्टेट करते हैं, कभी कभार तो पूरी ट्रॉफी डिक्टेट कर देते हैं, तो ऐसे में रेफरी को ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करनी चाहिए और फिर रेफरी को अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई तूने ऐसा क्यों करा। और भाई मेरे को एट द फर्स्ट इंस्टेंस लगा यार ये क्या बोल रहा है यार, ये मेरे को समझ में नहीं आया, जावी ने कसोल का माल लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बट फिर मैंने 5-10 मिनट बाद सोचा यार मतलब ये भाई फुटबॉल चेंजिंग रूल हो जाएगा ये, मैं बता रहा हूँ, अगर ये होने लग गया ना, ये ना ही सिर्फ बहुत यूनिक होगा बल्कि एक्चुअली में बहुत एफिशिएंट भी हो सकता है। अगर रेफरी के पास, देखो मैं बिल्कुल भी नो डाउट मैं रेफरी की क्रेडिबिलिटी को, रेफरी के कन्विक्शन को, कमिटमेंट को यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट स्टिल रेफरी के दिमाग में जब ये चीज़ होगी ना कि भाई वहाँ पर जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा मीडिया को, गांड फट जाएगी भाई। बट हाँ, ये हो सकता है कि दे माइट बी, मतलब देखो अच्छा होगा, मेरे को लगता है कंजर्वेटिव, ऐसा भी नहीं कि रेफरी बहुत एग्रेसिव होगा, रेफरी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। तो लेट्स होप कि भाई जैसे जावी ने कहा ऐसे बाकी सारे मैनेजर्स भी अगर एक बार कह देना तो क्या पता ऐसा हो जाए। बट डू लेट मी नो कि तुमको यार ऐसे चाहिए या नहीं चाहिए। साथ ही एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, वो ये था कि यहाँ पर एनकुंकू मेस्सी के रिगार्डिंग यहाँ पर जावी ने जो बात थी उसको यहाँ पर टाल दिया। ये बताता है कि जावी इवन दो ही इज़ वेरी कीन एंड इंटरेस्टेड ऑन मेसी, उसको पता है कि क्या बात कहाँ पर करनी है और एक्चुअली में वो बात को तूल नहीं देना चाह रहा। और वैसे कोइंसिडेंस कि अभी हाल ही में हमने इस चीज़ पर बात करी थी कि लियोनेल मेसी के इंटरेस्ट की हम बात करें, फिर मेसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि बार्सिलोना के हायर ऑफिशल्स बार 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 हर उसमें मेसी बात करता है। मेरे को लगता है कि यार देखो ठीक भी है, बट एट द सेम टाइम इसमें लाइक जावी भी क्या करेगा, जावी थोड़ी उनको क्वेश्चन देता है कि तुम पेपर पर लिख के मेरे से मेसी के बारे में पूछो, अभी वो है यार मीडिया वाले वक्त। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थंबनेल में मेसी को डाल सकते हैं तो यार उनको भी तो अपने अखबार में किसी की फोटो डालनी है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।